अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू समयास फ्री स्टाइल। और आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आपको बता दिया है मैंने कि आज हम लाइफ हैक्स शेयर करेंगे। ऐसे हैक्स शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप एक बहुत ही मुश्किल चीज को कर लेंगे और झटपट हो जाएगा, मिनटों में हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपके लिए इस चैनल पे लेके आती हूँ बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आती हूँ, और वेट लॉस की टिप्स लेके आती हूँ, ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स लेके आती हूँ। तो आज ये देखिए, मेरी बेटी ने जो है वो परमानेंट मार्कर से ये जो पूरा बोर्ड है उसको ख़राब कर दिया है। ये देखिए, ये नहीं उतर रहा। आप ये ना कहें कि शायद ये दूसरा मार्कर था। अगर आपकी कोई भी चीज़ है उस पर परमानेंट मार्कर लग जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ पे अगर परमानेंट मार्कर लग जाता है तो आपने जो परमानेंट मार्कर है उसके स्टेन्स आपने कैसे रिमूव करने हैं, आपने ले लेना है कोई भी परफ्यूम ले लें या बॉडी स्प्रे, कुछ भी आपके पास है आप वो ले लें। आपने ऐसे जस्ट उसके ऊपर स्प्रे करना है। और अभी आप देखेंगे कि मिनटों में जो है वो हमारा, ये देखें, और ये इतना सिंपल है कि हम लोग जब परमानेंट मार्कर लगता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको अब हम लोग रिमूव कैसे करेंगे। चाहे आपके कपड़ों पे परमानेंट मार्कर लग जाए या किसी भी चीज़ पे, प्लास्टिक की चीज़ पे, किसी पे भी। तो जी, बोर्ड देखे आपने हमारा बिल्कुल साफ हो गया है, तो आपने इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है। अब हम चलते हैं अपने हैक नंबर टू की तरफ। अगर आपने साफ़ करने अपने शूज़ और आपके पास पॉलिश नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक अदद बनाना और उसका पील आपने ले लेना है, और उसके साथ आपने अच्छी तरह से अपने शूज़ को साफ़ करना है। शूज़ को आप देखना, साफ़ करेंगे तो इसकी चमक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और शूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। अगर एक छिलका आपका गंदा हो गया है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक साफ़ कपड़े के साथ ऊपर से जो है वो शूज़ को साफ़ कर दिया है, ताकि जो भी बनाना के छिलके या कुछ इस टाइप की चीज़ ऊपर रह गई थी वो साफ़ हो जाए। तो ये देखें जी, मेरा जो शूज़ है वो कितना ज़बरदस्त साफ़ हो गया है। और आपने ये भी ज़रूर ट्राई करना। स्पेशली हम लेडीज के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाना है किसी फंक्शन में जाने से पहले, तो आपने ये टिप करनी है कि आपने जिस दिन फंक्शन में जाना है उस दिन आपने बिल्कुल भी शॉवर नहीं लेना, उससे एक दिन पहले आपने शॉवर लेना है। अच्छे से अपने बालों को वॉश कर ले, रात के टाइम आपने अच्छे से बालों को वॉश कर लिया। बालों को वॉश करने के बाद आपने अच्छी तरह से उनमें कॉम की। कॉम करने के बाद आपने कोई भी मलमल का दुपट्टा या लॉन का दुपट्टा लेके अपने बालों को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। जब उनमें हल्की हल्की सी नमी हो तो आपने उन बालों को कवर कर लेना है, और कवर आपने करना है सुबह उठ के आपने अपने बालों को खोलना है। आपके बाल जो ऐसे ड्राई होंगे उनसे ये होगा कि आपके जो बाल हैं वो उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा तो आपने जब ये ट्राई करना है तो सुबह जब आप उठेंगे आपके बाल जो हैं वो बहुत ही सिल्की और स्मूथ होंगे, इसके अलावा बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं होंगे, और कोई भी आप हेयर स्टाइल बनाएंगे वो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप चलते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। ये जो हैक है वो हमने करना है टूथपेस्ट के साथ। हमारे जो स्टेनलेस स्टील की बर्तन हो गए हैं, जैसे सिंक होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनमें एक्स्ट्रा शाइन लाने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेनी है जी कोलगेट। कोलगेट ही लेनी है आपने। कोलगेट आपने थोड़ी सी इस तरह किसी भी कपड़े पे लगा दें। मेरे पास ये मास्क था तो मैंने इस पे लगा दिया। आप किसी भी कपड़े पे लगा सकते हैं, और इससे ये होगा कि आपके जो स्टेनलेस स्टील की चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा शाइन करेंगी इससे, और उनमें कोई दाग या इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आपने इसी तरह सूखा करके, पहले आपने सुखाना है इसको, और उसके बाद आपने जस्ट इस पर टूथपेस्ट लगा देनी है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आपने इसको लगा रहने देना है, और 10 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है, और आप देखेंगे कि कितना ही ज़बरदस्त किस्म की इस पे जो शाइन है वो आ गई है। Thank you.
तो जी कैसे लगे आपको मेरे ये सारे हैक्स? अगर अच्छे लगे हैं यार तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, कंजूसी बिल्कुल मत करना, एक लाइक मेरी वीडियो को दे देना। और इसके अलावा अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में तो बहुत ही अच्छी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।